हेलो वेलकम बैक एंजल फैशन पॉइंट। एंजल फैशन पॉइंट में आप देख रहे हैं ट्राउज़र पर सर्कल डिज़ाइन। तो ये डिज़ाइन देख रहे हैं कितनी खूबसूरत सी लग रही है। मैंने ये कुर्ती के कपड़े की डिज़ाइन बनाई हुई है। तो इसको कैसे बनाया है ये हम आपको बताने वाले हैं। ये देखिए 4 इंच का मैंने कपड़ा लिया है और इसके ऊपर मैंने एक डबल कपड़ा रखना है। तो पहले हम इसके ऊपर सर्कल बनाते हैं। सर्कल बनाने के लिए हमने एक ढक्कन का इस्तेमाल किया हुआ है, जो 4 सर्कल बनाएंगे इस पर। ये देखिए ढक्कन के किनारे किनारे मैं निशान लगा रही हूँ। इसी तरह आप 4 सर्कल बना लीजिए। ये बन गए हैं। ये देखा, ये सारे सर्कल बन गए। अब इसके नीचे हम एक कपड़े को लगाएंगे। इसी के साइज का कपड़ा है और लगा के सर्कल के किनारे किनारे स्टिच करेंगे। ये स्टिच करने जा रहे हैं। मशीन को घुमा घुमा के एक जिस तरह से मैंने सर्कल बनाया है उसी हिसाब से इस पर स्टिच करेंगे। ये स्टिच हो रही है, देखें। घुमाते रहिए थोड़ी थोड़ी देर पर मशीन कपड़े को, मशीन को रोक रोक के कपड़े को घुमाते रहेंगे तो पूरे गोल सी एकदम अच्छी सी प्यारी सी इसकी हो जाती है। ये हो गई है। अब इसके बीच में कट लगाएंगे और अंदर के कपड़े को कट करके निकाल देंगे। करीब आधा इंच कपड़ा इसके अंदर हम छोड़ देंगे। ये देखिए बीच का भी एक सर्कल की तरह निकल गया। अब इसमें बीच बीच में हम कट लगा देते हैं ताकि ये अच्छे से फोल्ड हो जाए। ये कट दिख रहे हैं यहाँ पे। अब जो एक एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने लिया था उसको हम इसके अंदर डाल देंगे। डाल के पिन से चारों तरफ इसको हम पिन अप कर देते हैं ताकि ये ऊपर रिटर्न होने ना पाए, या प्रेस से इसको प्रेस कर देते हैं। तो आप भी इसी तरह पिन से पिन अप कर लीजिएगा। सारे सर्कल वाले जो कपड़े थे उन सबको पिनअप कर लेंगे। पिनअप करके फिर उसके बाद ये देखिए ये है ना, इन सबको पिन लगा के मैंने पिनअप कर दिया है यहाँ, देख रहे हैं। इसी तरह सभी को पिनअप कर दे रहे हैं। ये 1 2 3 4 चार बनाया था, चारों को मैंने पिनअप कर लिया। अब इसे हम ट्राउज़र के कपड़े में इसे अटैच करेंगे। तो ट्राउज़र के नीचे वाले मोहरी का पार्ट लेंगे, उस पर हम इसे सीधा कर रख के उल्टे की तरफ से स्टिच करेंगे ताकि ये सीधी तरफ सीधा आ जाए। ये स्टिच कर रहे हैं, इसको पलट लिए हैं। पलट के फिर मैंने स्टिच कर रहे हैं, एक बखिया चला दे रहे हैं ताकि ये बैठ जाए, अपनी जगह से इधर उधर हिलने ना पाए। फिर उसके बाद जो सर्किल है, सर्किल के किनारे किनारे हम पिन निकालते जाएंगे और एक एक उसके ऊपर स्टिच करते जाएंगे घुमा घुमा के। जिस तरह मैंने पहली बार स्टिच किया था सर्किल के किनारे, इसी तरह मैं दूसरी बार भी उसके ऊपर स्टिच करूँगी। चारों सर्किल पर मैंने स्टिच कर दिया। अब उसका जो बचा हुआ कपड़ा था उसको फोल्ड करते हुए उसको हम स्टिच कर देंगे। तो हमारे चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए कितना खूबसूरत, कितना अच्छा, कितना प्यारा सा ट्राउज़र के मोहरी की डिज़ाइन बनी हुई है, देख रहे हैं। थैंक यू।